लेकिन सब वाला अपने होता एकाकी व्रत रखो करिया अक्षर दोसर कोनो अक्षर में क्या होगा। चलो चलो ठीक है इफ एन इक्वल टू एन नोट प्लस ई के पावर माइनस लैम्डा टी कहाँ हम वर्क करता है पूरा का हमर पूरा करेंगे मेरा न्यूमेरिकल कहाँ बनाया फिजिक्स का बोले सर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो फेयर छूटा उसके बाद खोजते हैं वो सवाल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इसलिए हो रहा है ना पीछा रेस्ट किया इसीलिए के बाद लोड पर रात को पीछा रेस्ट मत करो डेली काम डेली करो पीछा नहीं किए इसीलिए ऐसा हम उसका ठिका लिए हैं डेली काम डेली करो समझ में आ गया ना तभी होगा। 5 घंटा रोज पढ़ो इतना नहीं पढ़ा फिर तुम क्या इंटरव्यू विद्यार्थी हो जी 5 घंटा रोज नहीं पढ़ता फिर क्या विद्यार्थी 10-10 घंटा लोग पूरा देते हैं 12 घंटा पूरा देते हैं लोग पढ़ते हैं ना तो फिर 5 घंटा में कित कहाँ 5 घंटा है 3 घंटा सुबह और 3 घंटा 2 घंटा मान लो सुनो ना 2 घंटा दिन में पढ़ लो 3 घंटा कहाँ पढ़ लो रात में 5 घंटा पढ़ इसी में तुम्हारा होमवर्क पूरा हो जाएगा 5 घंटा में मात्र इतना कर रहे दिन में 2 घंटा पढ़ो मात्र घंटा 3 घंटा पढ़ लो यहाँ जाते हो 7 से 10 पढ़ो 10 बजे सो जाओ टाइम तो सीधे 5 घंटा मिल रहा है फिर करते क्या हो भर दिन एगो मतलब बोले दिन में 1 घंटा पढ़ो 2 घंटा रात में 3 घंटा 10 बजे सो जाओ खाना खा के खाना खाना पड़ता है 10 से 12 है चलो शांत रहो यार टी बराबर टाइम पता नहीं तुम लोग इतना होमवर्क नहीं समझ रहा है विद्यार्थी किससे अधिक देते तो भी पूरा कर करता था रियल टीम 8 घंटा पूरे हमको टाइम बचता उसमें से फिर भी तब शांत रहो 5 घंटा कर पढ़ते हैं वो अलग बात है नहीं बनाओ हम तो अगर खींचते रहेंगे सिलेबस एन बराबर इतना दिया है ना देन टू फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लैम्डा लैम्डा क्या निकालना है चलो बताओ ई के पावर एक्स का डायमेंशन और बीमा क्या होता है ई पे पावर सोच के बताना ई पावर एक्स पूछे हैं ई पावर कुछ ना था बीमाहीन होगा बीमा क्या होंगे बीमाहीन पावर एक्स डाल दल समझना है ना जी तो बीमाहीन होंगे यानी कि इसका बीमा कुछ होगा कुछ नहीं होगा बीमा यानी कि एन बराबर दिया है एन नोट हकार ने दिया सगरे अकेले आ गया भोज खाने उसमें ज्यादा अच्छा से लेता है लोग सब जानता है तो बताओ डायमेंशन ऑफ लैम्डा टी बराबर क्या होगा 1 होगा मैंने से ना छोड़ के लो डायमेंशन बात करें 1 होंगे ना अभी ये कहा था कि डायमेंशन नहीं होता है कुछ मैंने लिख दिया तू कहा जो कुछ होंगे डायमेंशन इसका लैम्डा टी डायमेंशन कुछ होगा नहीं हो इस डायमेंशन इट्स यूनिटलेस क्वांटिटी लॉगरिथम ऑफ एक्स साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स त्रिकोणमिति कोई भी निष्पत्ति 1 2 3 4 गिनती की संख्या एविस्टिक अक्षर वो सब क्या बीमाहीन और मात्रकहीन होते हैं क्या होते बीमाहीन और मात्रकहीन होते हैं तो चूंकि ई पावर एक्स ये तो हम लोग कर चुके हैं बीमाहीन और मात्रकहीन होंगे ई पावर लैम्डा टी दिस इज द डायमेंशन ऑफ यूनिटलेस क्वांटिटी समझ में आ गया ना आगे चलो तो डायमेंशन ऑफ लैम्डा टी इक्वल टू क्या होंगे 1 होंगे तो हमको क्या पता करना है टी का डायमेंशन प्राप्त करना है डायमेंशन फार्मूला आप किसका निकालना है टी का नहीं लैम्डा का निकालना है डायमेंशन फार्मूला आप क्या निकालना है लैम्डा तो लैम्डा क्या करेंगे रखेंगे मग क्या करेंगे निकाल देंगे तो डायमेंशन ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1/ क्या होंगे टी और टाइम का 1/t तो टी के पावर क्या होंगे यह निकले डायमेंशन फार्मूला और थोड़ा बताना पड़ेगा एमएलटी फॉर्म में तो एम जीरो एल जीरो और टी माइनस 1 यह निकला डायमेंशन फार्मूला किसका निकला लैम्डा का निकला डायमेंशन फार्मूला आप क्या निकला लैम्डा का निकला। इसी प्रकार से एक प्रॉब्लम और है जो तुमको करके आना है जैसे देखो ई पावर के एक्स है देन टू फाइंड डायमेंशन फार्मूला क्या निकालना है के डायमेंशन ऑफ के एक्स बराबर क्या होंगे 1 अब वहाँ फिर के निकाल लो एक्स चूँकि यहाँ पर डिस्टेंस है तो उसका एल होंगे समझ में आ गया ना ये हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच कहते हैं एबीसी फिजिक्स लेकर कहता है किताबें नहीं किने हैं ए साइन कपड़ा लेगा बढ़िया किन के नया नया शर्ट एगो किताब ने फिजिक्स नहीं किनता है बी बराबर क्या होगा ए साइन एबीसी फिजिक्स बोले क्या दिलाने के लिए कहा लेकर आता एबीसी फिजिक्स बाजार मैंने तो कहा छोटे से ले लेना रख लेगा उसके पास बी बराबर नहीं सुनेगा यहाँ आवाज नहीं जाता है ना छोटे हाँ इफ बी बराबर कितना है ए साइन बी एक्स प्लस रात भी समझाए फिर भी कितना बोलेंगे डेन टू फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी एंड सी हायर
तोरा शुरू कर 10 मिनट में टेंशन मत लो, तोरा मैथ ज्यादा पढ़ा दी लोग काता थिर ने दे पूरा भरपूर का थिर दिया टेंस कितना है ये रोज दीजिए एल है ना टी अपना क्या है टाइम है भी अपना क्या है वेलोसिटी है भी इक्वल टू ए साइन बी एक्स माइनस सी टी देन टू फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी एंड सी ए बी और सी क्या निकालना हमको है डायमेंशनल फार्मूला निकालना है आंसर फ्रॉम क्वेश्चन बी इक्वल टू ए साइन बी एक्स माइनस सी टी यू नो दैट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी एक्स सी एक्स एन साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है यूनिटलेस क्वांटिटी है डायमेंशन लेस और क्या यूनिटलेस क्वांटिटी है तो बताओ केस नंबर फर्स्ट में डायमेंशन ऑफ ए ए बराबर देखो यहाँ पर क्या करना है दो संख्या गुना हो रहे हैं कोनो बात नहीं है जुट रहे हैं कोनो बात नहीं होंगे डायमेंशन क्या होना चाहिए जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं तब गुना में जरूरी नहीं है गुना में कोफिशिएंट कोफिशिएंट का नहीं होता अच्छा यहाँ पर किसका काम कर रहा है कोफिशिएंट का काम कर रहा है बोलो कोई दिक्कत साइन बी एक्स माइनस सी टी किसका काम कर रहा है क्योंकि तू जानता भी कहा है साइन थीटा को डायमेंशन कॉस थीटा को डायमेंशन नहीं तो किसका सिर्फ होंगे ए का वही होंगे जो भी का होंगे आपस में दोनों क्या बराबर है डायमेंशन ऑफ क्या होंगे बताओ डायमेंशन ऑफ भी तू कहा था तनि को पढ़ा दीजिएगा पढ़ लो इसमें तनि को कहा था ना तनिया को कहा था थोड़ा सा बता दीजिएगा अभी बुलाए ना पहले पढ़ने के लिए डायमेंशन पढ़ा रहे देख लो न्यूमेरिकल भी करवा रहे हैं इन्हें क्या न्यूमेरिकल नहीं कराए हैं फिजिक्स में कोई दिक्कत डायमेंशन ऑफ ए किसके को डायमेंशन किसके को डायमेंशन भी इक्वल होंगे तो बताओ डायमेंशन ऑफ ए क्या होंगे जो डायमेंशन ऑफ भी होंगे वही होंगे और डायमेंशन ऑफ भी क्या होगा एल्टी पावर माइनस वन होता है एल्टी पावर क्या होते हैं निकल गया डायमेंशन ऑफ ए एक क्वेश्चन पूरा हो गया फिर क्या निकालना है डायमेंशन ऑफ क्या निकालना है बताओ बी होंगे डायमेंशन ऑफ बी निकालना है तो डायमेंशन ऑफ बी एक्स बराबर डायमेंशन ऑफ वन डायमेंशन ऑफ बी एक्स किसके बराबर होंगे वन बराबर क्योंकि इसका कोई डायमेंशन एंगल का थीटा का डायमेंशन होता है कुछ डायमेंशन नहीं मात्रक होते हैं डिजन सिर्फ डायमेंशन नहीं होते हैं होते हैं डायमेंशन डायमेंशन मात्रक में अंतर है ना अंतर डायमेंशन मात्रक में नहीं है अंतर बता चुके हैं ना सर डायमेंशन होगा तो मात्रक भी होगा डायमेंशन नहीं होगा तो मात्रक कैसे होगा मात्रक होगा डायमेंशन होगा मात्रक होगा डायमेंशन भी होगा थीटा का मात्रक क्या होता है थीटा का मात्रक रेडियन होता है डायमेंशन उसको अपवाद के लिए चलिए अब रेडियन पर करते हैं उसको छोड़ के अब चलिए वही तो हम अपवादित यहां बात कर रहे हैं कि sin थीटा पीटा नहीं होता डायमेंशन ऑफ bx 1 होंगे यहां किसका निकालना चाहते हो डायमेंशन ऑफ b निकालना चाहते हो तो डायमेंशन ऑफ b बराबर क्या होंगे इसका भी नहीं होंगे इसका भी नहीं होंगे इसीलिए ऑल ओवर डायमेंशन कुछ भी नहीं होंगे इसका तब ना sin थीटा का डायमेंशन नहीं होते ना उसका भी डायमेंशन होता समझ में आ रहा है ना उसका डायमेंशन होता तो डायमेंशन ऑफ बी बराबर क्या होंगे एक्स को बट्टा में भेज दो तो डायमेंशन ऑफ वन बटा एक्स होंगे डायमेंशन ऑफ वन बटा क्या होंगे एक्स होंगे तो एक्स क्या है बताओ यहाँ से एक्स डिस्टेंस एक बटा क्या होगा ऊपर एल के ऊपर क्या होंगे इसी प्रकार से सी टी डायमेंशन ऑफ सी टी देखो इसी प्रकार से सी टी का एक होगा तो सी बराबर एक बटे टी के पावर क्या होंगे माइनस वन डायरेक्ट निकाल दिया इसी प्रकार से हो गया हाँ और होगा गति न्यूमेरिकल है काफी न्यूमेरिकल करे हुए हैं इसमें बताएं चार पांच न्यूमेरिकल करवा देखो उसके बाद इसके बाद जो है ना मैंने डबल क्लास किया था ना वही रिपीटेशन लिखे हुए हैं समझ में एक बार पढ़े फिर जाकर के छोटा वाला सर पढ़ाए थे इसीलिए वही चीज लिखा हुआ फिर जितना पढ़े हो ना पढ़ाए दीजिए उसी चीज को फिर से लिखा मैंने क्या कहा डबल बार लिखा हुआ है टॉपिक्स को देखो ना लिखा हुआ जी का निकाला हुआ है ना निकाला हुआ है जी का डबल डबल बार निकाला हुआ डबल क्लास क्या था इसीलिए ऐसे लिखे हुए फिर देखो क्या उसी बात को फिर रिपीटेशन रिपीटेशन किए हुए ऑफर दे तीन बार तीनों बार हाँ तो तब चावल का चारों बार चलाने में क्या देखे चला दिए समझ में आ गया ना उसी चीज़ को फिर से लिखे हुए हैं न्यूमेरिकल वही न्यूमेरिकल देखो है ना क्या हुआ डबल किया था इसीलिए डबल बैच मिस्टेक से कोई दिक्कत इसलिए देखो फिर से थ्योरम कराया गया है ना वो है ना थ्योरम वो देखो थ्योरम है नहीं कराने बताया है ना थ्योरम और इसी के साथ अपनी वाणी को